हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल टू ऑल, वेलकम ऑल टू कोर्स फिटनेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो का टॉपिक जो कि सबने अभी तक देख ही लिया होगा, इट्स रिगार्डिंग ग्रोन अटैक। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है कि आप ग्रोन अटैक कौन कौन से ग्रोन अटैक आप यूज़ कर सकते हो अगर आप खुद को डिफेंड कर रहे हो। देन सेकेंड वीडियो मैंने अपलोड की थी कि एज अ गाय अगर आपके ऊपर कोई फीमेल अटैक कर रही है देन हाउ यू कैन डिफेंड योर सेल्फ। तो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ मिथ रिगार्डिंग ग्रोन अटैक। मार्शल आर्ट में यह बहुत ही बड़ी मिथ है कि अगर आप किसी को भी ग्रोन अटैक दे देते हो तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है कि सामने वाला इतने बुरे तरीके से हर्ट होने वाला है कि आप उस सिचुएशन से इजीली बाहर आ सकते हो, बट नहीं, ये टोटली मिथ है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो रिएक्शंस जो कि आपको मिलेंगे अगर आप सामने वाले को हिट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही एक सा रिएक्शन मिले। अगर आप किसी को हिट कर रहे हो ग्रोइन पे, तो अगर आप किसी को ग्रोइन पे हिट कर रहे हो तो उस टाइम पे हो सकता है बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ के रिएक्शन आपको देखने को मिले। कि कुछ सेल्फ डिफेंस की वीडियोस थी जिसमें मैंने ग्रोइन अटैक को कवर किया, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस लोगों के देखने को मिले थे। सो आई थॉट कि मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए जहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकूं कि ये सारी कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, जहाँ पे एक इंसान बोलता है कि आप किसी को एक अच्छे से पावरफुल हिट दे दो सामने वाला ख़त्म हो जाएगा, लाइक हो सकता है कि सामने वाले की डेथ हो जाए या फिर इनफर्टाइल हो जाए या फिर कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट फॉर 2 or 3 minutes वो कुछ नहीं कर पाएगा। फर्स्ट रिएक्शन ये था। रिएक्शन में एक इंसान ने ये कहा था कि मैंने खुद की इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग कर ली है कि लड़की मेरे ऊपर जितना मर्जी हिट कर ले मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रिएक्शन था जिसमें ये कहा गया था कि ये इफेक्टिव नहीं है ड्रंकन और एडिक्टेड पर्सन्स के ऊपर। आई थॉट कि मुझे इस चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करके सबको बताना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन हमें क्यों मिल रहे हैं, और अगर ये कहा जाता है कि एक हिट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि सामने वाले की डेथ भी हो सकती है, तो ये कैसे हो रहा है कि सामने किसी और इंसान को उस हिट से कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो कवर करने के लिए ये वीडियो है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अभी मैं कैटेगराइज करने वाली हूँ ग्रोइन अटैक के रिएक्शंस को 4 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी है कि आप किसी को पावरफुल हिट देते हो और वो पर्सन कोलैप्स हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, आप उस सिचुएशन से इजीली बाहर आ जाते हो। ये फर्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनेरियो जब भी किसी को आप हिट देते हो, सो दिस इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड वन। सेकंड सिनेरियो, सेकंड रिएक्शन था कि मैंने किसी को हिट दिया और वो इंसान और ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गया और वो सिचुएशन मेरे लिए और बुरी होगी जितनी थी, तो मेरे लिए उस सिचुएशन से बाहर आना थोड़ा और मुश्किल हो गया। मान लो मैं किसी को हिट करूँ ग्रोइन पे, उसके इतने ज़्यादा क्लोज आ गई कि वो सामने से मेरे थप्पड़ मार सकता है या फिर पंच मार सकता है, तो उस सिचुएशन में मेरे लिए ही सिचुएशन और ज़्यादा बुरी होगी। थर्ड सिनेरियो में मुझे एक ड्रग एडिक्ट या फिर किसी शराबी के साथ में फाइट करने की जरूरत पड़ रही है, उस सिचुएशन में मैंने उस इंसान को बैक टू बैक ग्रोइन हिट दिया लेकिन 0 रिएक्शन। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई ड्रग एडिक्ट हो या फिर बहुत ही ज़्यादा शराबी हो तो उसको कोई इफेक्ट ही ना हो। उस केस में आपको नेक्स्ट मूव के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि उस टाइम पे अगर आप नेक्स्ट मूव क्या करोगे। एंड लास्ट वन इज़ यू आर हिटिंग समवन, आपने किसी को हिट किया लेकिन वो काफ़ी नहीं था, तो आपको बैक टू बैक 3 से 4 हिट देने पड़ेंगे जब तक वो इंसान खुद ही पीछे ना हट जाए। तो ये 4 कैटेगरी थी रिएक्शन की जो कि हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। बेस्ट वे क्या है अगर ये चीज़ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो बेस्ट वे क्या है, कैसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बोलती हूँ, हमेशा ही तैयार रहो फेल होने के लिए और उसके बाद नए अटैक के लिए तैयार रहो। बी प्रिपेयर्ड टू फेल एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। तो अगर मान लो आप किसी को हिट कर रहे हो और एक अटैक मिस हो गया, तो क्या हुआ, दूसरा अटैक दो, तीसरा अटैक दो, यू नीड टू गेट एटलीस्ट 5 to 6 अटैक्स। पर्सनल ओपिनियन है, जब भी ऐसी सिचुएशन में हो कभी भी एक अटैक दे के ये नहीं सोचना है कि मैंने मैजिकल अटैक दे दिया, अब सामने वाला तो ख़त्म ही है, अब मेरे लिए सिचुएशन सेफ है। जी नहीं, हो सकता है कोई भी रिएक्शन मिले, सामने वाला और अग्रेसिव हो सकता है या फिर आपके लिए सिचुएशन और मुश्किल हो सकती है। तो अभी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आपके लिए अपने हाथों को मूव करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू योर लेग। जितने टाइम में आप और पंचेज निकाल सकते हो उतने टाइम में एक एक निकलेगी। अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, मान लो वो 2 पंच मार रहा है, तो उस टाइम में एक एक कारी और किक। लेग्स का यूज़ करना इतना भी ईजी नहीं है उस इंसान के लिए जिसने कभी यूज़ ही नहीं कर रखा हो। तो उस टाइम में सजेस्ट करती हूँ, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर अ 4 अटैक्स। फर्स्टली जो पे हिट देना है, जो हिट, जैब, फर्स्ट गिव जैब, देन नियर अटैक,
then elbow. See how I'll do? Punch, punch, knee and elbow. So punch, punch, knee, elbow. Punch, punch, knee, elbow. और अब जितनी स्पीड में आप ये अटैक दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा. पंच पंच नी एल्बो, पंच पंच नी एल्बो. तो अगर मैं इसको ब्रेक करके बताऊं, सबसे पहले आपने फेस पे हिट दिया, सबसे पहले हाथों का यूज करना है. पंच पंच, बहुत स्लो बता रही हूँ, उस टाइम पे जितना फास्ट यूज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. हिट हिट, जैसे थोड़ा सा बैलेंस हुआ डिसबैलेंस पकड़ा और सीधा वीक पॉइंट पे हिट. नी अटैक दो वीक पॉइंट पे, उसके बाद रुकना नहीं है. आईज पे डायरेक्टली एल्बो अटैक, एल्बो दोगे डायरेक्टली आई पे. तो यही चीज़ है. 1 2 3 4 अटैक बैक टू बैक देने हैं. उतने में सामने वाला डिसबैलेंस हो रहा है थोड़ा टाइम के लिए, अनकॉन्शियस हो रहा है, तो आपको उस सिचुएशन से भागना है, बाहर निकलना है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी. एक और इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं हमेशा ही आपको देती हूँ कि जितना हो सके ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना है जो कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो. अवॉइड, कोई सामने वाला टोंट मार रहा है, जब तक सामने वाला से बोल रहा है तो ट्राई टू अवॉइड. लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि सामने वाला अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो उस टाइम पे ऐसे अटैक के लिए तैयार रहो और मेंटली तैयार रहो कि हो सकता है अटैक फेल हो जाए, तो फिर उस टाइम पे रेडी रहना है सेकेंड अटैक के लिए. सेकेंड अटैक फेल हो रहा है, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फोर अटैक एटलीस्ट एज्यूम करके चलो. लाइक यूजुअली अगर मैं आपको बताऊँ, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, हो सकता है रात के टाइम आप अकेले हो या फिर पार्क में आप अकेले हो, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे हो, ऐसा जब भी सीनेरियो होता है, जब भी सिचुएशन होती है, आपके पास एक मैक्स टू मैक्स 2 सेकेंड्स, आपके पास एक मिनट का टाइम नहीं है, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम नहीं है. आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल सेंस में बताऊं, मैं लाइक अगर मैं जा रही हूँ और मान लो मुझे सेंस हो रही है कि सामने वाले की इंटेंशन सही नहीं है, वो मेरे पीछे आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 5 सेकेंड है जब तक वो मेरे पास आएगा ये चीज़ डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसका इंटेंशन सही ना हो. तो उस टाइम पे मुझे सबसे पहले क्या सोचना है, अगर मेरे पास नाइफ है, पेपर स्प्रे है, कुछ भी हो है, उसका यूज़ कर सकती हूँ, उससे अटैक दे सकती हूँ. अगर कुछ भी नहीं है तो मैं अपने हाथों और पैरों का यूज़ कैसे कर सकती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे अगर आप भागने की कोशिश करोगे, मान लो ऐसे सिचुएशन में अनोर सिंह की अगर सामने वाला आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो भागने की ही कोशिश करो. भाग के अगर आप सेफ प्लेस पे जा सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे भागना पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम पे फाइट बैक ही बेस्ट ऑप्शन है. बट उस टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि आप अपने हाथों का यूज़, पैरों का यूज़ कैसे कर सकते हो. आप चाहो तो सामने वाले को थप्पड़ से भी हरा सकते हो, नॉट अ बिग डील. अगर आपका आपके हाथ पे पावर है, पंच मारो, थप्पड़ मारो, एल्बो दो, या फिर पत्थर उठा के मार दो सामने वाले के सर पे, कुछ भी करो, आप एक्टिवली सिचुएशन से बाहर आ सकते हो. लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको दिस इज़ द हाई टाइम जिसमें आपको एक्ट करना है. तो डोंट गेट टाइम टू थिंक कि हाँ मैं अभी थोड़ी देर में सोचती हूँ या फिर हो सकता सिचुएशन से बाहर आ जाए. नो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सोचो, डिसाइड करो और एक्ट करो, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही वहाँ से भागना है. अगर सामने वाला थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो रहा है 2 सेकंड के लिए भी, तो भागो. उस टाइम पे आपको सिचुएशन से बाहर आना है, सेफ प्लेस पे जाना है. वेट नहीं करना कि सामने वाला फिर से खड़ा होकर फिर से आपका अटैक देगा. सो दिस इज़ माय मैसेज. और लाइफ बहुत छोटी है, हमेशा ही सेल्फ डिफेंस की बात करती हूँ, लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है, हम इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे हैं, ना कि हर बार ये सोचने के लिए, ना कि हर बार डर डर के जीने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिव योर लाइफ हैप्पीली, जितना खुश रह सकते हो खुश रहो, सबको खुश रखो अपने आसपास, और जितना हो सके नेगेटिविटी को अवॉइड करो. कोशिश करो कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी सोच अभी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको गाइड करो, ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करो. एंड और अगर ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको फाइट ही करनी पड़ रही है, तो ऐसे फाइट करो कि आप एक मिसाल बन जाओ सबके लिए. दैट्स माय मैसेज. फॉर में कुछ ऐसा हो जो आपके लिए यूजफुल हो, और अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है, तो डू शेयर इट विद अदर्स. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन, कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूज़र आईडी इज़ amandeep.2275. सो दैट्स ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे अलर्ट. बाय बाय.